Good afternoon, friends. This is me, Punish Kumar Timre, and in today's class we are going for artificial intelligence. और हम topic study करेंगे problem, problem spaces and search. तो basically problem, problem spaces and search ये क्या होता है? ये समझने से पहले हम ये topic हमारे syllabus में exactly कहाँ पे आता है वो देख लेते हैं. तो basically अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर सिलेबस देखते तो सिलेबस में यूनिट वन के दो हाफ है. फर्स्ट हाफ जो है दैट इज रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेकेंड हाफ जो है दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में का एक पार्ट जो है दैट इज व्हाट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ऑन अ स्टेट स्पेस सर्च, ये वाला एक टाइटल आता है. तो दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू स्टडी दिस पर्टिकुलर टाइटल हमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेट स्पेस क्या होता है एंड प्रॉब्लम स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. इन अर्लियर क्लासेस वी हैव टेकन द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग व्हाट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एंड व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज इन विच वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ स्टडी ऑफ डूइंग द थिंग्स बाय द कंप्यूटर विच एट द मोमेंट पीपल डू बेटर. इट मीन्स दैट जस्ट सिंपली वी हैव टू डेवलप a decision making or capacity inside computer just like a human being. And after that we have studied there are so many application areas in which we are using the artificial intelligence. Aur aaj ki era mein agar hum dekhenge to almost in all application areas artificial intelligence is applicable. Yani aisa koi domain nahi dikhega jahan pe artificial intelligence ko use nahi kiya ja raha hai. So that's why artificial intelligence हमेशा आप अगर देखेंगे रोजमर्रा की लाइफ में तो काफी सारे एप्लीकेशन एरियाज में इसको यूज किया जा रहा है. एंड सेकंड हाफ जो है वो है दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर हमें कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, एआई सिस्टम किस तरह से बिल्ड करेंगे, तो दैट वी हैव टू स्टडी इन सेकंड हाफ ऑफ यूनिट नंबर वन. तो सेकंड हाफ में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले व्हाट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम इज एंड प्रॉब्लम स्टेट स्पेस इज. बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब कभी भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें स्टेट स्पेस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. एंड वंस वी विल आइडेंटिफाई द स्टेट स्पेस उसके बाद स्टेट स्पेस आइडेंटिफाई करने के बाद हम सर्चिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो यूनिट वन के सेकेंड हाफ में जो स्टडी करना है वो प्रोडक्शन सिस्टम, प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इश्यूज इन द डिजाइन ऑफ सर्च प्रोग्राम्स दैट वी हैव टू डिस्कस. बट ये सारी चीजें जो है प्रोडक्शन सिस्टम, प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्शन सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे. आज की क्लास में हमें जहाँ पे फोकस करना है दैट इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो बेसिकली व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सिस्टम अगर बिल्ड करना है तो दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें चार चीजें करना पड़ता है. डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसाइजली, दिस इज द फर्स्ट थिंग. देन वी हैव टू गो फॉर द एनालाइज द प्रॉब्लम. देन वी हैव टू गो फॉर रिप्रेजेंट द टास्क नॉलेज एंड फाइनल चीज चूज एंड अप्लाई रिप्रेजेंट एंड रीजनिंग टेक्निक. सबसे पहले तो हमें जिस चीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाना है यानी एआई प्रोग्राम बनाना है उस प्रॉब्लम को हमें प्रिसाइजली विदाउट एनी एम्बिग्युटी सबसे पहले डिफाइन करना है. डिफाइन करने के बाद उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का स्कोप हमें एनालाइज करना है. एनालाइज करने के बाद उस नॉलेज, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या नॉलेज लगेगा वो नॉलेज को हमें रिप्रेजेंट करना है. और एक बार अगर हमने नॉलेज बना दिया तो फिर उस नॉलेज को हम कैसे रीजनिंग टेक्निक के थ्रू अप्लाई करेंगे वो हमें बनाना है. बिकॉज एआई बिल्डिंग करना है या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम अगर हमको बनाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम बनाते वक्त मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि आपको किसी ना किसी तरह से नॉलेज बेस बनाते आना चाहिए. और एक बार अगर आपने नॉलेज बेस बना लिया तो उस नॉलेज बेस में नॉलेज को सर्च कैसे करेंगे और नॉलेज को सर्च करने के बाद में कभी कभार आपको रीजनिंग अप्लाई करना पड़े तो वो रीजनिंग कैसे अप्लाई करेंगे, दिस थिंग्स वी हैव टू स्टडी. सो देयरफॉर दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू अप्लाई व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग एनी एआई प्रोग्राम. अब जैसे सिंपली यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चेस. चेस प्लेइंग अगर हमें करना है तो चेस प्लेइंग अगर हमें करना है तो चेस प्लेइंग के लिए मैंने एआई प्रोग्राम बनाया. अब चेस प्लेइंग वाले प्रोग्राम को क्या हम एआई प्रोग्राम कह सकते हैं क्या, दैट वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट.
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन ये था कि आदमी की तरह सोचने की कैपेसिटी कंप्यूटर के भीतर डेवलप करना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मान के चलते चेस प्लेइंग के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, यानी ये गेमिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। तो गेमिंग सॉफ्टवेयर हमने बनाया, गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाने के बाद इस गेम को प्ले करने वाले दो यूजर्स रहेंगे, एक यूजर रहेगा कंप्यूटर, दूसरा यूजर रहेंगे आप खुद, यानी फर्स्ट विल बी द ह्यूमन बीइंग एंड अनदर विल बी द कंप्यूटर। ऐसे हमारे पास दो दो यूजर है। अब एक यूजर तो ह्यूमन है लेकिन दूसरा ह्यूमन है क्या? नहीं है। अब मान के चलो कि आपने एक मूव परफॉर्म किया और उसके बाद नेक्स्ट टर्न अगर कंप्यूटर का आता है, नेक्स्ट टर्न कंप्यूटर का आने के बाद कंप्यूटर अगर वैलिड मूव परफॉर्म कर सकता है, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर कुछ ये समझता है, और आदमी जैसे सोच समझ के डिसीजन मेकिंग कर सकता था, वैसे डिसीजन मेकिंग अगर कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, इसका मतलब आपने क्या किया? आपने कंप्यूटर को इस तरीके से बनाया कि कंप्यूटर आदमी तक की तरह सोच सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका अपोनेंट अगर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर ना होते हुए कोई अगर ह्यूमन बीइंग होता, यानी दोनों के दोनों यूजर अगर ह्यूमन बीइंग होते, तो पहला यूजर यानी पहला आदमी जैसा सोच सकता है, अकॉर्डिंगली दूसरा आदमी सोचते हुए वैलिड मूव परफॉर्म कर रहा है। तो अगर उस कंप्यूटर को, उस आदमी को अगर हमने कंप्यूटर से रिप्लेस किया है, इसका मतलब सेकंड वाला जो पर्सन है, वो पर्सन का इंटेलिजेंस हमने कंप्यूटर में डाला है, और उस कंप्यूटर में अभी हमने पावर या थिंकिंग एबिलिटी डेवलप की है जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग। इसलिए चेस प्लेइंग के लिए अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम को हम एआई प्रोग्राम कह सकते हैं। तो एआई प्रोग्राम के लिए अभी हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, और ये सॉफ्टवेयर का हमें नॉलेज बेस बनाना है। अब इस सॉफ्टवेयर का नॉलेज बेस बनाना है, इसका मतलब क्या है? इस सॉफ्टवेयर का नॉलेज बेस बनाना है, इसका मतलब चेस प्ले करने के लिए जितने रूल्स रहते हैं, वो सारे के सारे रूल्स आपको वहां नॉलेज बेस में वन बाय वन स्टोर करके रखना पड़ेगा। अब ये रूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब कभी भी आप चेस प्ले करेंगे, तो कभी ना कभी बोर्ड का कोई ना कोई एक पोजीशन रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशंस हमने फर्स्ट वाले लेफ्ट हैंड साइड में बना के रखा है, लेकिन राइट हैंड साइड में वैलिड मूव क्या रहेगा? तो फर्स्ट टाइम जब आप कोई मूव परफॉर्म करोगे, तो वैलिड मूव कौन सा रहेगा? वो वैलिड मूव यानी आप कोई पैदा चल सकते हैं, या फिर घोड़े चल सकते हैं, या फिर आप हाथी चल सकते हैं। ऐसे अगर सपोज वैलिड मूव है, तो वो वाले वैलिड मूव को आप कैसे लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट थिंग। तो जनरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक बोर्ड पोजिशन है, उस बोर्ड पोजिशन को वैलिड मूव के फॉर्म में अगर हमने राइट हैंड साइड में लिखा है, तो ये वाले रूल को जनरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि void pawn add square file e rank to end, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है कि बोर्ड की इनिशियल कंडीशन क्या है, और राइट हैंड साइड में हमने लिखा है कि बोर्ड की रिजल्टेंट पोजीशन क्या होगी। तो जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब कभी भी हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूल, और इसको रूल ना कहते हुए हम जनरली कहते हैं प्रोडक्शन रूल। क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन रूल के फॉर्म में नॉलेज को हम लिखते हैं, और प्रोडक्शन रूल का फॉर्मेट होता है लेफ्ट हैंड साइड डिराइव टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में वो जो इनिशियल कंडीशंस है, दैट इनिशियल कंडीशंस विल बी देयर, और राइट हैंड साइड में जो रहेगा, दैट विल बी द एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी या हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट सिचुएशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में इनिशियल कंडीशन, और राइट हैंड साइड में आप जो एक्शन परफॉर्म करोगे, एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्टेंट पोजिशन रहेगा, दैट रिजल्टेंट पोजिशन वी हैव टू राइट। Now, here we have to study problem space, state space, and space of the problem state. The set of all possible configuration is the space of the problem states. Problem space is the environment where the search is performed, and state space the set of all states reachable from the initial state. अब जैसे चेस प्लेइंग के प्रोग्राम के थ्रू हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम स्पेस यानी क्या? तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनरली चेस प्ले अगर करना है ना, क्या बोर्ड का एक इनिशियल पोजीशन रहेगा, बोर्ड के इनिशियल पोजीशन से आपको फाइनल पोजीशन तक के जाना है। फाइनल पोजीशन क्या हो सकता है? दो यूजर अगर है, तो दोनों में से कोई विन करेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा टाई होगा। क्यों? क्योंकि चेस में टाई भी पॉसिबल है। तो हियर वो चेस के जितने भी रैंडम पोजिशन हो सकते हैं, चेस में जो कुछ भी आप पोजिशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम स्पेस। क्यों? क्योंकि आप उस चेस प्लेइंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी रूल्स है, वो रूल्स को जहां जहां सर्च कर सकते हैं, वो वाले रूल को, वो वाले स्पेस को हम प्रॉब्लम स्पेस बोलेंगे।
यानी पर्टिकुलरली हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल सकता है, वो वाले स्पेस को हम प्रॉब्लम स्पेस कहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द एनवायरमेंट वेयर द सर्च इज परफॉर्म। जैसे मान के चलो अगर आप नागपुर में है और नागपुर में आपको फाइंड आउट करना है एरिया बर्डी सीताबर्डी, तो सीताबर्डी अगर फाइंड आउट करना है तो सीताबर्डी एरिया नागपुर में रहेगा, नागपुर के बाहर तो नहीं रहेगा। तो अगर आपको सीताबर्डी फाइंड आउट करना है तो सीताबर्डी फाइंड आउट करने के लिए आपको नागपुर के भीतर ही सर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीताबर्डी एरिया सपोज नागपुर के अलावा दुनिया में अगर कहीं नहीं है तो आपका प्रॉब्लम स्पेस क्या होगा? ओनली नागपुर, आउटसाइड नागपुर कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम स्पेस। इसलिए हमने लिखा है द एनवायरमेंट वेयर सर्च इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम स्पेस। सेकंड इज स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस का मतलब है सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। अब सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है? जनरली स्टेट स्पेस तब आएगा जब आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एक स्टेप में सॉल्व नहीं हो रहा है, मल्टीपल स्टेप में सॉल्व हो रहा है। मीन्स इन ऑर्डर टू रीच फ्रॉम इनिशियल स्टेट यानी जहां से आपको प्रॉब्लम दिया है आपको जाना है सोल्यूशन तक के, तो प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक के जाना एक स्टेप का काम नहीं है, मल्टीपल स्टेप का काम है। तो स्टेप वन देन यू हैव टू अप्लाई, स्टेप टू देन यू हैव टू अप्लाई, स्टेप थ्री देन यू हैव टू अप्लाई ऑल सबसिक्वेंट स्टेप्स। इस तरह से स्टेप्स अप्लाई करते करते अगर आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक के पहुंचने के लिए आपको काफी सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स के थ्रू जाना पड़ेगा। All those intermediate states which are appearing during problem solving is called as state space. यानि set of all states reachable from the initial state. Initial state से final state ढूंढने के लिए जहां जहां भी आप जा सकते थे और जितने possible states होंगे वहां पर जा सकते हैं। मान के चलो कि आप रहते हैं कोराडी में और कोराडी से आपको पहुंचना है बर्डी, तो कोराडी टू बर्डी अगर पहुंचना है तो आपको इन बिटवीन काफी सारे लोकेशन अगर मिल रहे होंगे कि कोराडी से जब आप निकल रहे तो कहीं ना कहीं बीच में मानकापुर आ रहा होगा, फिर शायद कोई और एक एरिया आ रहा होगा, सदर आ रहा होगा, और सदर के बाद में फिर कहीं ना कहीं बर्डी आ रहा होगा। तो कोराडी से निकलने के बाद अगर आप मानकापुर तक पहुंचे तो मानकापुर इज अ स्टेट, मानकापुर से सदर पहुंचे तो सदर इज अ स्टेट। तो मानकापुर से निकलने के बाद बर्डी तक के पहुंचने के लिए जहां जहां पॉसिबल स्टेट्स पे आप जा सकते हैं ऑल दोज पॉसिबल स्टेट्स आर कॉल्ड एज स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स हम जनरेट कर सकते हैं। नाउ हियर वी हैव टू डिस्कस वन पॉपुलर प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रॉब्लम का नाम है वाटर जेट प्रॉब्लम। तो जनरली 7 या 8 प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये प्रॉब्लम्स के थ्रू उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एनालाइज करना पड़ता है, प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन करना पड़ता है। तो ये 8 प्रॉब्लम आने वाले क्लासेस में हम वन बाय वन देखेंगे। तो आज टर्न आया है हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम का जिसका नाम है वाटर जेट प्रॉब्लम। हमें यहाँ स्टडी करना है कि वाटर जेट प्रॉब्लम क्या है और वाटर जेट प्रॉब्लम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और ये सॉल्व करते वक्त हमारा स्टेट स्पेस क्या रहेगा, सॉल्यूशन ट्री कैसे बनेगा, प्रोडक्शन रूल कैसे बनेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। यू आर गिवन 2 जग्स, अ 4-gallon 1 एंड अ 3-gallon 1। Neither has any measuring marks on it. There is a pump that can be used to fill the jugs with water. How can you get exactly 2 gallons of water into 4-gallon jug? Basically, university exam में इस particular topic पे सवाल कैसे आता है वो मैं पहले discuss कर लेता हूँ। Actually, आपको बोला जाएगा कि derive the state space for water jug problem. State space बनाओ करके आपको सवाल पूछा जाएगा। तो स्टेट स्पेस कैसे बनाना है इसके लिए सबसे पहली चीज जो लिखनी है वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन। आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन यहाँ दिया है कि हमारे पास 2 जग दिए हुए, आप देख सकते हैं एक 4 gallon का है और दूसरा 3 gallon वाला है, तो दोनों ग्लास के बने हुए हैं, उनमें कोई मेजरिंग मार्क नहीं है ऐसा समझो। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि 4 gallon वाले में 1 gallon पानी हुआ, फिर 2 gallon पानी हुआ, फिर 3 gallon पानी हुआ, ऐसा आइडेंटिफाई करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं। एक बार 4 gallon वाले को हमने पूरा फुल कर लिया इसका मतलब वहां पे 4 gallon पानी है, और एक बार 3 gallon वाले को पूरा फुल कर लिया इसका मतलब वहां पे 3 gallon पानी है, और हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है देयर इज अ पंप दैट कैन बी यूज्ड टू फिल द जग्स विद वाटर। तो एज फार एज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कंसर्न वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी चाहे उतना पानी जमीन पे बहा सकते हैं। बट आपका एम क्या है?
How can you get exactly 2 gallons of water into the 4 gallon जग? एग्जैक्टली 2 गैलन वाटर आपको जमा करना है 4 गैलन वाले जग में. दिस इज व्हाट अ क्वेश्चन. यानी दो जग दिए हैं, एक की कैपेसिटी 4 गैलन की है, दूसरी की 3 गैलन की है. जग पे कोई भी मेजरिंग मार्क नहीं है जिससे कि हम इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई कर सकेंगे. बाद में बोला है आपके पास पानी का पंप है और आपको एग्जैक्टली 2 गैलन पानी जमा करना है 4 गैलन वाले जग में. ये आप कैसे करोगे, दैट इज व्हाट आस्क्ड यू. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वाटर जेट प्रॉब्लम. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व कैसे करें इसके लिए हमको थोड़ा सा इंटेलिजेंस अप्लाई करना पड़ेगा. आप में से कोई ऐसा कह सकते हैं कि सर हम वो 4 गैलन वाला जग जो है वो 4 गैलन वाले जग में पानी डालते जाएंगे जब तक कि आधा नहीं भरता, तब तक हम भरते जाएंगे. उसके बाद हम एक आग बंद करेंगे और चेक करेंगे आधा भर गया क्या. अगर आधा भर गया इसका मतलब 4 गैलन. नहीं, हम ऐसे इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 4 गैलन वाले का 50% कितना, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है. ऐसा समझो कि जग जो है वो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं. अब जग ट्रांसपेरेंट नहीं है, प्लास्टिक का बना हुआ होगा, तो एग्जैक्टली आधा पानी कितना हो रहा है, 50% फिल भरा हुआ है या नहीं, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसका हमारे पास कोई तरीका नहीं. तो फिर ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें. तो जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका स्टेट स्पेस क्या होता है, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्टेट ये है, जब कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो हमारी स्टेट जो रहेगी उस स्टेट को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स कॉमा वाई. अब एक्स का मतलब क्या है और वाई का मतलब क्या है. एक्स का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनिंग इन 4 गैलन, और वाई का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनिंग इन 3 गैलन. अब 4 गैलन वाले में एक तो एक भी पानी नहीं रहेगा, नहीं तो 1 गैलन हो सकता है, 2 गैलन हो सकता है, 3 गैलन हो सकता है. और आपका जो वाई जग है उसमें एक तो एक भी पानी नहीं रहेगा, नहीं तो 1 गैलन हो सकता है, 2 गैलन हो सकता है, नहीं तो 3 गैलन हो सकता है. तो आपके यक्स के पॉसिबल वैल्यूज है 0 to 4, वाई के पॉसिबल वैल्यूज है 0 to 3. यक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. अब स्टार्ट स्टेट, इनिशियली हमारे दोनों के दोनों जगह एम्प्टी है, दिस इज व्हाट अ स्टार्ट स्टेट. इसलिए यक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0. और गोल स्टेट है, पहला वाला जो जग है जो उसकी कैपेसिटी 4 गैलन है उसमें एग्जैक्टली कितना पानी होना, 2 गैलन. जबकि सेकंड वाला जग जो 3 गैलन कैपेसिटी वाला है उसमें चाहे पानी रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हम जाते तो हमारा स्टार्ट स्टेट जो है वो है 0 0, जबकि गोल स्टेट जो है वो है 2 कॉमा. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो यहाँ पे आपको स्टेट क्या है, स्टार्ट स्टेट क्या है और गोल स्टेट क्या है ये समझ गया होगा. अब आगे जाते हैं, स्टार्ट स्टेट गोल स्टेट ये समझने के बाद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोडक्शन रूल्स लिखने पड़ेंगे. अब प्रोडक्शन रूल्स कैसे लिखेंगे, यक्स का मतलब क्या और वाई का मतलब क्या है ये आपको क्लियर हो गया. अब प्रोडक्शन रूल का मतलब मैंने बताया था कि प्रोडक्शन रूल यानी हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रूल. अब क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, 4 गैलन का एक जग है, 3 गैलन का एक जग है, दोनों के दोनों ही एम्प्टी है. पहला काम यह हो सकता है कि 4 गैलन वालों को हमने पूरा भर लिया, या दूसरा काम यह हो सकता है कि 3 गैलन वालों को हमने पूरा भर लिया. ये तो पॉसिबल मूव है. तो पहला मूव है कि फिल द 4 गैलन जग, फिल द 4 गैलन जग, यानी 4 गैलन वाला जग है उसको पूरा फिल करना है. तो इसको प्रोडक्शन रूल के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो इसको प्रोडक्शन रूल के फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखते हैं इफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, इफ एक्स इज लेस देन 4 डिराइव टू 4 कॉमा वाई. लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, एक्स कॉमा वाई एक अगर स्टेट है और इस स्टेट में एक्स इज लेस देन 4, एक्स इज लेस देन 4, एक्स का मतलब क्या है, ऐसा जग जिसकी कैपेसिटी 4 गैलन की है. तो अगर 4 गैलन वाला जो जग है वो पूरा फुल भरा हुआ ही नहीं है, यानी उसमें पूरा खाली हो सकता है या 3 गैलन हो सकता है, 2 गैलन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें पानी हम डाल सकते हैं क्योंकि उसकी फुल कैपेसिटी 4 गैलन की है, बट उसमें 4 गैलन पानी भरा हुआ ही नहीं है, यानी उसमें कुछ ना कुछ स्कोप है पानी भरने का. इसलिए हमने लिखा है इफ एक्स इज लेस देन 4, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, तो हमें क्या करना है, 4 कॉमा वाई.
यानी x को करना है 4, यानी 4 गैलन वाले जग को पूरा भरना है, y वाले के साथ कुछ नहीं करना, यानी 3 गैलन वाले जग को कुछ नहीं करना। तो ये x इज लेस देन 4 डिराइव्स टू 4, इसका मतलब हो गया फिल 4 गैलन जग। अब आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करो और मुझे बताओ क्या आपको ये वाला प्रोडक्शन रूल समझ में आया? यस सर। ओके, ये पहला प्रोडक्शन रूल था, इफ एक्स इज लेस देन 4 देन 4, मान के चलो कि मुझे प्रोडक्शन रूल बनाना है फिल 3 गैलन जग, कैसे लिखेंगे? अभी आप सेकंड वाले रूल की तरफ मत देखो, आपका जो मोबाइल का स्क्रीन होगा उसको सेकंड वाला जो रूल दिख रहा है उस पर थोड़ा सा हाथ रख के उसको हाइड कर दो और थोड़ा सा सोचो कि इस रूल को कैसे लिखेंगे। फिर 3 गैलन जग को मैं जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ तो आपको समझ में आएगा। सेकंड वाले रूल को देखते हुए अगर आप बनाओगे तो आपको आसानी से बनाते आ जाएगा। उसको हाइड करो और हाइड करके सोचो फिल 4 गैलन वाले जग वाले रूल से फिल 3 गैलन जग ये रूल कैसे बनाएंगे आप। तो क्या करना पड़ेगा आपको, राइट हैंड साइड की सिचुएशन जो रहेगी वो x चाहे कुछ भी हो लेकिन y कितना होना चाहिए 3, इसलिए सेकंड वाले प्रोडक्शन रूल का राइट हैंड साइड रहेगा x, 3, और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा x, y इफ y इज लेस देन 3। गेटिंग इट? इसलिए आपका प्रोडक्शन रूल बनेगा x, y इफ y इज लेस देन 3 डिराइव टू x, 3, इसका मतलब है फिल 3 गैलन जग। Kindly unmute and give me the answer. आपको second production rule समझा? Yes sir. Yes sir. ऐसे ही आपको सारे production rules one by one करने हैं। अभी आप ये देखोगे तो आपको आ जाएगा, but आप जब तक खुद से नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। अभी हम समझते हैं third वाला production rule। अब third वाले production rule को आप देख सकते हैं। Production rule है pour some water आउट ऑफ 4 गैलन जग, यानी 4 गैलन वाला जग जो है उसमें से कुछ पानी हमको निकाल के बाहर फेंकना है। तो 4 गैलन वाले जग में से कुछ पानी निकाल के अगर फेंकना है तो हम क्या कर सकते हैं, जब पानी रहेगा तभी तो फेंक सकते हैं ना, इसलिए 4 गैलन जग में जो भी अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या बोल रहे हैं हम, एक्स। इसलिए एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो एक्स कॉमा वाई इफ एक्स ग्रेटर देन 0 डिराइव्स टू, x की वैल्यू जितनी उतनी रहेगी क्या, नहीं कुछ ना कुछ कम होगी, तो वैल्यू क्या बनेगा x माइनस d और y विल बी एज इट इज। तो प्योर सम वाटर आउट ऑफ 4 गैलन जग, ये वाला समझ गया बेटा आपको? यस सर। राइट, यस सर। ओके, तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है चौथा प्रोडक्शन रूल जो अभी हम बनाने वाले हैं, मैं स्लाइड आपको नहीं दिखा रहा हूँ, प्रोडक्शन रूल है प्योर सम वाटर आउट ऑफ 3 गैलन जग, कैसे लिखेंगे इसको हम, pour some water out of the 3 gallon jug. If y is greater than 0, so x is as it is and y minus d. Congratulations. Beta, your name please? Bhumika Patankar. Okay. Thank you, beta. Bahut sahi bataya aapne. Congratulations. This is what the fourth rule, which you have said. If y is greater than 0, then it should be x, y minus of 2. Pure some water out of 3 gallon jug. Is it clear? अभी हम जाएंगे पांचवे प्रोडक्शन रूल के लिए। पांचवा प्रोडक्शन रूल है empty the 4 gallon jug on the ground. 4 gallon वाला जग है उसको पूरा का पूरा खाली कर देना है। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, 4 gallon वाले जग में कुछ ना कुछ पानी होना चाहिए, इसलिए x greater than 0. Empty the 4 gallon jug, यानी इसका मतलब x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, और y रहेगा as it is. ओके, अभी सब लोग अपने माइक जो है वो म्यूट कर लो, एवरीबॉडी प्लीज म्यूट द माइक, मैं जब बोलूंगा तब अनम्यूट करना। और अभी सिक्स्थ प्रोडक्शन रूल जो रहेगा वो है एम्प्टी द 3 गैलन जग ऑन द ग्राउंड। एम्प्टी 3 गैलन जग ऑन द ग्राउंड इसका मतलब 3 गैलन में कुछ ना कुछ पानी होना चाहिए, इसलिए वाई ग्रेटर देन 0 और बाद में लास्ट में वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो गया हमारे 6 प्रोडक्शन। तो बेसिकली एज फार एज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कंसर्न ऐसे टोटल 12 प्रोडक्शन रूल्स पॉसिबल है, यानी कहाँ का पानी कहाँ डाल सकते हैं, ऐसे टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो कितने अवेलेबल है, 12, इसलिए हमने 6 प्रोडक्शन रूल देखे। नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल है पुअर वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग इन टू द 4 गैलन जग अंटिल द 4 गैलन जग इज फुल, ये वाला प्रोडक्शन रूल समझते हैं। सातवा प्रोडक्शन रूल,
पोअर वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग, यानी 3 गैलन वाले से निकालना है, कहाँ पे डालना है, 4 गैलन जग, अंटिल द 4 गैलन जग इज फुल। तो अंटिल द 4 गैलन जग इज फुल ये रिजल्टेंट सिचुएशन है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में वाई एक्स की वैल्यू तो 4 होगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी जितना ऑलरेडी, एक्स की वैल्यू तो 4 होगी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू होगी जितना वहां से आपका पानी निकला। इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल के लिए इनिशियल कंडीशन क्या रहेगी वो हम समझते हैं। प्रोडक्शन रूल है पुअर वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग, 3 गैलन में से पानी निकालना है और कहाँ पे डालना है, 4 गैलन में। तो 3 गैलन में से पानी निकालना है इसका मतलब 3 गैलन में कुछ ना कुछ तो पानी होना चाहिए, इसलिए आप देखते होंगे यहाँ पे वाई ग्रेटर देन 0 हमने लिखा है। सेकेंड, पुअर द वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग इंटू द 4 गैलन जग अंटिल 4 गैलन जग इज फुल। इसका मतलब ये है कि 3 गैलन जग और 4 गैलन जग दोनों का पानी मिला के कम से कम इतना जरूर होना चाहिए ताकि वो 4 गैलन जग को कंप्लीट कर सके। इसका मतलब x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो आई थिंक ये इनिशियल कंडीशन आपको समझ में आया होगा, इसलिए हमने लिखा है इनिशियल कंडीशन x कॉमा वाई, इफ x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड y इज ग्रेटर देन 0 डिराइव्स टू रिजल्टेंट सिचुएशन 4 गैलन जग पूरा फुल होना चाहिए इसलिए 4 कॉमा 3 गैलन जग में कुछ पानी कम हो जाएगा, कितना कम होगा, ऑलरेडी वाई था तो वाई में से कुछ निकल जाएगा इसलिए माइनस, लेकिन कितना कितना आएगा, एक्चुअली एक्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 4, बट इनिशियली वहां पे पानी कितना था, एक्स, तो 4 में से एक्स निकला, 4 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि आप 4 गैलन में से पूरा पानी निकाल के डाल रहे हो, प्योर पूरा पूरा पानी डाल रहे हो, इसलिए 4 माइनस ऑफ एक्स, इसलिए ये प्रोडक्शन रूल बना एक्स कॉमा वाई, इफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड वाई ग्रेटर देन 0 देयरफॉर इट विल बी 4 कॉमा वाई माइनस 4 माइनस ऑफ एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल है पुअर वाटर फ्रॉम 4 गैलन जग इनटू द 3 गैलन जग अंटिल 3 गैलन जग इज फुल। अब 3 गैलन वाला जग फुल होना चाहिए इसलिए 3 गैलन वाले का रिजल्टेंट जो आप देखोगे तो ये 3 रहेगा। इनिशियल कंडीशन में देखोगे तो 4 गैलन में से पानी निकालना है तो 4 गैलन में कुछ ना कुछ पानी होना चाहिए, तो आई थिंक ये वाला प्रोडक्शन रूल इस तरह से रहेगा, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, पुअर वाटर फ्रॉम द 4 गैलन जग, तो हियर इट शुड नॉट बी वाई, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। तो अभी नया प्रोडक्शन रूल को हम ऐसा लिखेंगे, ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एक्स, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है मेरा, एक्स ग्रेटर देन 0 इट डिराइव्स टू एक्स माइनस 3 कॉमा वाई कॉमा 3। नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल है प्योर ऑल वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग टू 4 गैलन जग, 3 गैलन वाटर का पूरा पानी 4 गैलन में डाल दो, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट होगा 4 गैलन में रहेगा एक्स प्लस वाई और 3 गैलन पूरा एम्प्टी हो जाएगा, और इसका इनिशियल कंडीशन क्या रहेगा, 3 गैलन जग इंटू द 4 गैलन जग, यानी 3 गैलन में कुछ ना कुछ पानी होना चाहिए इसलिए वाई ग्रेटर देन 0 एंड पुअर ऑल वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग इंटू द 4 गैलन जग, इसका मतलब एक्स प्लस वाई दोनों मिला के 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट अ 9th रूल, मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ थोड़ा आप पेन लेके पेन और कॉपी लीजिएगा, प्रोडक्शन रूल को लिखना, और प्रोडक्शन रूल को लिखिए और फिर उसको प्रोडक्शन रूल के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड डिराइव टू राइट हैंड साइड जब आप खुद से करके नहीं देखोगे तब तक के आपको ये क्लियर नहीं होगा उसकी इनिशियल कंडीशन क्या है फाइनल कंडीशन क्या होगी, ये अगर आप समझ लोगे तो ये आसानी से आपको 9th वाला भी रूल समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ही 10th रूल है पुअर ऑल वाटर फ्रॉम द 4 गैलन जग इनटू द 3 गैलन जग, अभी हमने 9th वाला किया था, 9th का रिवर्स है, यहाँ पे 3 गैलन में से 4 गैलन में डाला था, 10th में हमें 4 गैलन से 3 गैलन में डालना है। 11th वाला रूल है पुअर 2 गैलन फ्रॉम 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग, पुअर 2 गैलन कहाँ से, 3 गैलन जग, यानी 3 गैलन जग में से एग्जैक्टली 2 गैलन आपको निकालना है 4 गैलन में डालना है, तो 0 2 विल बिकम 2 0। और 12th वाला रूल है एम्प्टी द 2 गैलन्स इन द 4 गैलन जग, यहां से आपको निकालना है 2 गैलन्स ऑन द ग्राउंड,
फिर ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और वाई की वैल्यू रहेगी एज इट इज. तो एज फार एज दिस वाटरजेट प्रॉब्लम इज कंसर्न, दीज आर द पॉसिबल प्रोडक्शन रूल, ये 12 ही प्रोडक्शन रूल पॉसिबल है. तो वेरी फर्स्ट, एज फार एज वाटरजेट प्रॉब्लम इज कंसर्न, आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है. एक बार आपके पास प्रॉब्लम डेफिनेशन रहेगा, फिर आपको स्टार्ट स्टेट आइडेंटिफाई करना है, स्टार्ट स्टेट के बाद आपको गोल स्टेट आइडेंटिफाई करना है, गोल स्टेट के बाद आपको प्रोडक्शन रूल्स बनाने हैं. तो यहाँ पे हमने 12 प्रोडक्शन रूल बनाया है. 12 प्रोडक्शन रूल बनाने के बाद अभी आपको सॉल्यूशन बनाना है. अब सॉल्यूशन कैसा है आप लोग थोड़ा ध्यान दो. यहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने एक टेबल बनाया, आप लास्ट वाले कॉलम की तरफ फिलहाल ध्यान मत दो. तो 4 गैलन जग, 3 गैलन जग, रूल सप्लाइड. ये हम क्या था, इनिशियली हमको दिया था कि 4 गैलन जग और 3 गैलन जग दोनों के दोनों एम्प्टी है, और गोल स्टेट था 4 गैलन वाला जग है उसमें एग्जैक्टली 2 गैलन वाटर होना चाहिए, 3 गैलन में चाहे कितने भी रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इनिशियल स्टेट हमारा 0, 0 है, गोल स्टेट हमारा 2.0 है, 2.n. अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे मेरे को 0 मिल रही है इसलिए मैंने इसको गोल स्टेट बोला, क्योंकि गोल स्टेट तब जब 4 गैलन में एग्जैक्टली 2 गैलन वाटर आ जाएगा. ये अभी हमने कैसे किया है, लिसन ईयर. फर्स्ट स्टेप इनिशियल कंडीशन दोनों में 0, 0 था. स्टेप 1 हमने परफॉर्म किया, क्या किया, 0, 3 किया. तो 0, 0 को 0, 3 करना क्या हो सकता है, किसी को समझा ये वाला रूल. 0, 0 को 0, 3 किया, हमने क्या किया, 3 गैलन वाला जो जो था उसमें हमने 3 गैलन वाटर पानी भरा. 4 गैलन वाला को कुछ नहीं किया, 3 गैलन वाला जो जग था उसको कंप्लीटली पानी से भरा. ये ऐसा कर सकते थे हम, हाँ बिल्कुल कर सकते थे. बाद में 3 गैलन वाला जो जग था वहां का पानी हमने 4 गैलन वाले जग में डाला, तो 3 गैलन पानी यहां से निकल के 4 गैलन में गया, तो 4 गैलन में हो गया 3, और 3 गैलन क्या हो गया, एम्प्टी. ये भी हम हमारा वैलिड मूव है, ये हम परफॉर्म कर सकते हैं. तो अभी रिजल्टेंट सिचुएशन जो है वो 3, 0, ये हमारा एक स्टेट बन गया. तो पहला स्टेट था 0, 0, 0, 0 से स्टेट में गए हम 0, 3, और 0, 3 से अभी गए हम 3, 0. अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी 4 गैलन वाले में हमारे पास 3 गैलन पानी है, और अभी 3 गैलन वाले को फिर से फिल किया हमने, ऐसा हम कर सकते हैं. तो अभी ये 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, यानी दोनों जग में 3, 3 गैलन पानी है. फिर हम क्या कर रहे हैं, 3 गैलन वाले जग में का कुछ पानी 4 गैलन वाले जग में डाल रहे हैं, जब तक कि 4 गैलन वाला पूरा फुल नहीं होता. तो 4 गैलन में तो ऑलरेडी 3 गैलन पानी है, कितना डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम 3 गैलन में का, उसकी रिमेनिंग कैपेसिटी जो है वो 1 गैलन की है, इसलिए 3 गैलन में से ज्यादा 1 गैलन पानी निकलेगा. तो अभी 4 गैलन वाले जग में एग्जैक्टली 4 गैलन हो जाएगा, जबकि 3 गैलन वाले जग में एग्जैक्टली 2 गैलन वाटर रहेगा. यानी हमको जो 2 का आंकड़ा चाहिए था, अभी 2 का आंकड़ा हमको यहाँ पे मिल गया है. आफ्टर दैट हमने क्या किया, 4 गैलन वाला जो जग था उसको पूरा एम्प्टी कर दिया, दिस इज ऑल्सो वैलिड रूल इसलिए, और 3 गैलन जग जो था वो एज इट इज रहेगा. तो अभी स्टेट बना 0, 2, और फिर हमारा एम ये था कि हमको 2 गैलन वाटर 4 गैलन वाले जग में चाहिए था, इसलिए हमने ये 2 गैलन वाला वाटर जो था वो यहाँ पे हमने प्योर कर दिया. तो अभी 3 गैलन जग फ्री हो जाएगा, और 4 गैलन वाले जग में एग्जैक्टली 2 गैलन वाटर मिलेगा. अभी हमने जो प्रोडक्शन रूल लिखे है वही प्रोडक्शन रूल के नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे कि अगर आप देख सकते हैं इनिशियली 0, 0 था, और 3 गैलन वाले जग को भरना, दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट मूव, इसलिए रूल अप्लाइड टू लिखा है. आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड वाला रूल क्या है, आपका सेकंड रूल, सेकंड रूल इज फिल 3 गैलन जग, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ये रूल नंबर. इज इट क्लियर, ऐसे ही हमने रूल अप्लाई किया. और रूल अप्लाई करने के बाद टोटल रूल कितने अप्लाई करने पड़े, मूव 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6. तो 6 स्टेप में हमको हमने इस वाटर जेट प्रॉब्लम को सॉल्व किया. नेक्स्ट, इसका स्टेट स्पेस सॉल्यूशन ट्री क्या है, यानी क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं. तो बेसिकली मैं अगर BFS सर्च अप्लाई करता हूँ, यानी ब्रेकफास्ट सर्च अप्लाई कर सकता हूँ, तो इनिशियल स्टेट में मेरे पास जो स्टेट रहेगी वो रहेगी 0, 0, और गोल स्टेट जो है वो मेरा है 2.n. तो 0, 0 स्टेट अगर रहेगी, यानी दोनों के दोनों जगह एम्प्टी है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास,
एक पॉसिबिलिटी यह है कि मैं 4 गैलन वालों को पूरा फुल भरूं, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मैं 3 गैलन वालों को पूरा फुल भरूं, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट सर्च अगर अप्लाई कर रहा हूँ, डीएफएस अगर सर्च अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं कोई भी एक मूव परफॉर्म कर सकता हूँ। आइदर आई कैन मूव इन 4 गैलन जेट और आई कैन मूव इन 3 गैलन जेट। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया है दैट इज व्हाट अ ब्रेकफास्ट सर्च एंड बीएफएस ट्री बना के रखा है, और बीएफएस ट्री की वजह से फर्स्ट लेवल पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम में हमने क्या किया है, 0 0 से हम 0 3 पे गए हैं। इसका मतलब हम यहाँ से यहाँ गए, यानी हम राइट डायरेक्शन में गए, हम लेफ्ट में नहीं गए, राइट डायरेक्शन। लेफ्ट में भी जा सकता है अगर सॉल्यूशन होगा तो मिलेगा, है या नहीं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी तो हम एज फार एज सोल्यूशन वन इज कंसर्न, जो हमने ये सोल्यूशन बनाया है इस सोल्यूशन के लिए हम राइट हैंड साइड में गए। तो 0 0 से नेक्स्ट स्टेट जो थी हमारी, यहाँ आप देख सकते हैं 0 0 से हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 0 3। यहाँ पे भी आपको दिखेगा 0 0 से नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, 0 3। इसके बाद हमने क्या किया, 0 3 ये एक सब स्टेट है, इसका मतलब 4 गैलन वाला जग पूरा एम्प्टी है और 3 गैलन वाला जग जो है वो पूरा फुल भरा हुआ है। अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप 4 गैलन वाले को भी पूरा फुल भरो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 3 गैलन में का जो तो आपका पूरा पानी है वो 4 गैलन में पलटा दो, या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि 3 गैलन वाला जो जग है उसका पूरा पानी जमीन पे बहा दो। तो दैट्स वाई फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको फिल द 4 गैलन जग, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, 3 गैलन जग जो था उसमें का पूरा पानी 4 गैलन में डाल दो, दैट इज 3 0। और थर्ड पॉसिबिलिटी कि 3 गैलन जग जो था उसको एम्प्टी कर दो, 3 गैलन जग को एम्प्टी अगर करेंगे तो रिजल्टेंट स्टेट जो बनेगा वो 0 0। तो 0 3 वाली स्टेट से 0 0 करना है, यानी बैक ट्रैकिंग है। आप देख सकते हो जब हमने ऑलरेडी कोई स्टेट थी और उसी स्टेट से फिर से वापस उसी स्टेट पे आते तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक ट्रैकिंग। तो 0 0 ही जो बैक ट्रैकिंग है। तो पॉसिबल दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो 4 3 या फिर 3 0। तो एज फार एज आवर सोल्यूशन इज कंसर्न, हम 0 3 से 3 0 पे गए, यानी हम 0 3 से 3 0 पे गए। ये वाला ट्री और भी एक्सप्लोर हो सकता है, मैंने ओनली 2 लेवल को ही एक्सप्लोर किया है। तो एज फार एज ये एंटायर स्पेस ट्री इज कंसर्न, आपको ये पूरा ट्री बनाना पड़ेगा, और आपको इस पूरे ट्री को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये वाला पाथ जरूर मिलेगा, 0 0 देन 0 3 देन 3 0 देन 3 3 और लास्ट में एक लीफ नोड आपको मिलेगा जहां पे 2 0 ये वाला स्टेट मिलेगा। तो दिस इज व्हाट योर स्टेट स्पेस सॉल्यूशन। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा सॉल्यूशन भी है, आप दूसरे सॉल्यूशन को एक बार देखो और एनालाइज करो। इनिशियल स्टेट है 0 0, अभी हमने 4 गैलन वाले जग को पहले भरा, क्यों, क्योंकि आप इस चीज से अगर देखते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्यूशन वन में राइट हैंड साइड में गए थे, अभी हम बोल रहे हैं राइट हैंड साइड में नहीं जाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। क्या इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सॉल्यूशन है क्या, तो 0 0 बाद में 4 0, दिस इज वैलिड, क्यों, क्योंकि 4 गैलन वालों को पूरा भरना है, फिर 4 गैलन में से पानी आपको डालना है 3 गैलन में, तब तक के जब तक के 3 गैलन वाला कंप्लीटली फिल नहीं होता। तो हमने 3 गैलन वाले को कंप्लीटली फिल होते तक के यहाँ पे पानी डाला, तो 3 गैलन की कैपेसिटी अगर 3 गैलन की, तो 4 में से वो 3 ऑक्यूपाई करेगा और 3 गैलन पूरा फुल हो जाएगा, तो 1 गैलन यहाँ पे बचा हो जाएगा। उसके बाद हमने 3 गैलन वाले को एम्प्टी किया, तो 3 गैलन जग में का पूरा पानी जमीन पे बहा दिया, तो अभी 1 0 रिजल्टेंट स्टेट बना। फिर इस 1 को 3 गैलन में डाला, इस 1 को 3 गैलन में डाला, तो अभी 3 गैलन में 1 गैलन पानी है और 4 गैलन वाला एम्प्टी है। उसके बाद फिर से 4 गैलन वाला कंप्लीटली फिल किया और फिर 4 गैलन में का पानी हमने 3 गैलन में डाला, जब तक कि 3 गैलन फुल नहीं होता। 3 गैलन में ऑलरेडी 1 गैलन है, तो रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, 2 गैलन की, तो 4 में का 2 गैलन पानी यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 3 1 + 2 = 3, और 4 में से 2 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 2। तो हमारा बेसिक एम तो यही था कि 4 गैलन वाले जग में 2 गैलन वाटर हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल मूव कितने परफॉर्म किए, दिस इज फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव, 5 मूव एंड 6 मूव, यानी 6 स्टेप में हमको भी यहाँ पे सोल्यूशन मिला। तो आई थिंक फॉर वाटर जग प्रॉब्लम 6 स्टेप से कम स्टेप में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो दीज आर द पॉसिबल टू ऑप्टीमल सोल्यूशन, इनको ऑप्टीमल भी बोल रहा हूँ, और दीज टू पॉसिबल ऑप्टीमल सोल्यूशन आते हैं। तो एज फार एज यूनिवर्सिटी एग्जाम इज कंसर्न, आपको जनरली पूछा जाता है कि वाटर जग प्रॉब्लम उसका स्टेट स्पेस और उसका सोल्यूशन आपको बनाना है।
तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आपको बताना है कि उस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, सेकंड बताना है आपको उसका इनिशियल स्टेट क्या है, बी बताना है उसका गोल स्टेट क्या है, गोल स्टेट के बाद आपको बनाना है प्रोडक्शन रूल्स। प्रोडक्शन रूल्स जितने पॉसिबल होंगे क्वार्टरली प्रॉब्लम के लिए पूरे 12 है, और फ्रिक्वेंटली ये वाला सवाल आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पूरे के पूरे 12 प्रोडक्शन रूल आपको लिखना ही है। 12 प्रोडक्शन रूल के बाद में आपको बनाना है स्टेट स्पेस ट्री। मैंने स्टेट स्पेस ट्री 2 ही लेवल तक के बनाया था, आपको चाहे तो उसको आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई एक सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे दो दो सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस किए। तो वाटर जग प्रॉब्लम यहाँ तक के सबको क्लियर हो गया? काइंडली अनम्यूट। यस सर। यस तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर जग प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मिल्क कैन प्रॉब्लम। मिल्क कैन प्रॉब्लम, हियर प्रॉब्लम डेफिनेशन इज गिवन टू यू। यू हैव गिवन 3 कैन्स, 3 कैन दिए हुए आपके पास। एक है 19 गैलन, दूसरा है 13 गैलन, और तीसरा है 7 गैलन। इस यू हैव गिवन 3 कैन्स, 19 गैलन 1, 13 गैलन 1 एंड 7 गैलन 1। नाइदर हैज एनी मेजरिंग मार्क्स ऑन इट, किसी पे भी कोई मेजरिंग मार्क नहीं है। द 13 गैलन एंड 7 गैलन आर कंप्लीटली फुल and these are filled with milk. The 19 gallon can is completely empty. How can you get exactly 10 gallons of milk into the 19 gallon and 13 gallon each? अब आपको इस प्रॉब्लम को समझना है। आपके पास 3 कैन दिए हुए हैं, एक 19 गैलन का, एक 13 गैलन का, दूसरा 7 गैलन, ऐसे 3 कैन दिए हुए हैं। तीनों कैन पे कहीं पर भी मेजरिंग मार्क नहीं है, और अभी आपके पास वाटर नहीं दिया हुआ है, आपको जो दिया है वो है मिल्क दिया हुआ है। एंड वॉट इज योर एम? 13 गैलन और 7 गैलन वाला जो मिल्क का कैन है वो पूरा फुल भरा हुआ है, यानी 13 प्लस 7 टोटल 20 गैलन मिल्क आपके पास है। और आपको करना क्या है, आपको 19 गैलन और 13 गैलन ऐसे जो दो कैन है उनमें एग्जैक्टली 10 10 गैलन मिल्क कलेक्ट करना है। तो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू एवरीबडी। यस सर। तो यस सर। आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करके रखना है। तो इस प्रॉब्लम के साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है? तो आज के क्लास के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। आपको ये जो मिल्क कैन प्रॉब्लम दिया है, ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इस पर्टिकुलर